जो हमारे सीएम साहब ने डिसीजन लिए, केंद्र सरकार जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए कदम उठाए, उसके लिए अपन भी शामिल होकर लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इसके बारे में नॉलेज आने के लिए अपना भी कोशिश जारी रखेंगे। जो भी होता 31 दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये ज़रूर गरीब लोगों को अच्छा होएगा और स्टेट्स का फाइनेंशियल सिचुएशन भी बढ़ेगा बोल के जो बताया उन्होंने, उसके ऊपर उम्मीद रख के चलेंगे। एक हम अलग पार्टनर नहीं रहने के बावजूद भी आज जो डिसीजन लिया है केंद्र सरकार ने, वो डिसीजन को अमल करने में जो डिस्कशन के लिए ऑल पार्टीज पूछे थे कल बीएसई में, वो सब ध्यान में रख के सीएम साहब और स्पीकर साहब ने परमिट करे ये डिस्कशन के लिए। आज जो डिस्कशन चल रही थी, कांग्रेस पार्टी पूरे को पूरा समय को यूटिलाइज कर ले के भी हमारे को मौका नहीं दिए बात करने का, हमारे को प्रोटेस्ट करने का भी मौका नहीं दिए बोल के जो बात कर रहे, ये सब आवाम पूरे आश्रय आज जो मौका था पार्लियामेंट में बात करने का मौका था राहुल जी को ने, राहुल जी कहीं मुंह नहीं खोले, डिस्कशन चलाने का मौका ही नहीं दिया सेंटर को, और बाहर आके जो है हमारे को बहुत एविडेंसेस है, बुलेट प्रूफ एविडेंसेस है, आटम बम न्यूज है, बोलते हुए सिर्फ गुजार रहे उन्हों, ये लोगों को भटकाने के कामों में थोड़ा सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी का रोल क्या है, अगर से सेंटर गलत डिसीजन लिए उसके बारे में आवाम में जाना, पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक का सहारा लेना, उनका मदद लेके आगे बढ़ना, या नहीं तो एक डिसीजन लिया गया सेंटर से, वो सेंटर जो अपना 50 डेज मांगे थे प्रधानी जी, वो 50 डेज 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाते, जब तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद जो भी कदम उठाना है उड़ा सकते, या नहीं तो बिल्कुल आपको अवेयरनेस है इसके बारे में, आज से शुरू कर सकते, मगर कुछ डिस्कशन में शामिल नहीं होते और मदद भी नहीं करते। जो हम मदद करना चाह रहे, हमारे को ब्लेम करने चाह रहे, ब्लेम करने को सोच रहे, हमारे को